हेलो हेलो। हेलो, जी सर। आपको मैं एक दो किस्से बता देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, स्कूल स्कूल का फ्रेंड है। उसकी एज भी मेरे बराबर है, करीब 57, 58 या 59। ओके वो यूएसए में है। तो उसको 3-4 साल पहले स्ट्रोक हो गया। तो ओके स्ट्रोक होने से पहले उसको डायबिटीज की कंप्लेंट थी, ब्लड प्रेशर का कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं था। ओके जब उसको स्ट्रोक हुआ तो उसको ब्लड प्रेशर जो है 200 तक पहुंच गया। ओके तो डॉक्टर्स ने उसको कोई भी मेडिसिन ब्लड प्रेशर कम करने का नहीं दिया। ओके ठीक है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको दिक्कत होती है, दिमाग में सुसराहट होती है, दिमाग में उसके अलावा आपको थकान होती है, उसके अलावा आपको कोई स्वेलिंग होती है, तो वो खतरनाक होता है। इसमें आपका अगर कहीं पर भी आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, कम हो रहा था या ठीक नहीं हो रहा था, अब वहां पर जैसे ही आपके शरीर की कंडीशन सुधरने लगती है तो अच्छा, उसका मैं बता रहा था फ्रेंड का पहले, तो उसका 3 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो गया। उसकी 100% रिकवरी हो गई 2-3 दिन के अंदर। उसके बाद अपने आप से धीरे धीरे कम होने लगा बिना मेडिसिन के। तो ब्लड प्रेशर आपका जो बढ़ रहा है, आपका ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है, और जहां जहां पर भी पहले प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था किसी का यूट्यूब पर, व्याग्रा होता है, टडाल फील करके भी होता है कुछ, वो भी व्याग्रा टाइप का होता है। जिनको प्रॉब्लम होती है, तो जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो उनका भी ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है। अब उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, फेस के ऊपर स्वेलिंग होती है, जुकाम हो जाता है, कमजोरी आने लगती है, ये लेने के बाद में, जब कोई लगातार ये व्याग्रा वगैरह लेता है उसके बाद में दिक्कत आती है। वो सारा का सारा जो है इंडिकेशन है स्वेलिंग वगैरह, पानी भरने का शरीर में। ठीक है, इसमें सारी की सारी चीजें ठीक हो जाती है। आप वो लोगे तो हार्ट अटैक होगा, आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लोगे तो उससे हार्ट अटैक होगा, क्योंकि आपके शरीर के हर हिस्से को ब्लड चाहिए। अब आप ये बताओ कि आपका ब्लड प्रेशर 150 हुआ पहली बारी, आपको कुछ भी गलत फील हुआ, एनर्जी कम हुई, थकान हुई, या नींद नहीं आई, या कुछ और दिक्कत हुई? नहीं, वो तो सब आ रहा है, बट क्या है कि थोड़ा नींद जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है? वो क्या बोलते हैं, वो नींद जैसा लगता है ना, आलस जैसा। आलस जैसा लग रहा है? जी आलस लग रहा है आपको? जी 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 आपका वॉक एंडनेस हो रहा है क्या ठीक से? हाँ, वो भी कर रहा हूँ। अभी तो मैं 2 दिन बोला था ना आपको, मैं कर रहा हूँ। तो आलस में आपको नींद कब आती, नींद रात को कैसे आ रही है? पहले से अच्छी आ रही है या पहले जैसी आ रही है? सब सेम टू सेम है। नींद तो पहले से भी, पहले तो अच्छी है, सब अच्छा यार। नींद में तो कोई कंप्लेंट नहीं थी मेरी। कंप्लेंट नहीं थी वो तो ठीक है, पर एक होता है कच्चा नींद, पक्का नींद। कई बार क्या होता है, आप 8 घंटे सोते हो पर सुबह उठकर आपको लगता है कि आप फ्रेश नहीं हुए। कई बार आप 4 घंटे सोते हो पर आपको उठ के तसल्ली होती है कि अच्छे से नींद आ गई। अदरवाइज आप नींद के बारे में स्टडी करोगे ना, तो अगर नींद की स्लीप की 3 या 4 वो होती है, बोलते हैं क्या, 3 या 4 स्टेजेस होती है नींद की, जो उसमें सबसे डीप स्लीप की स्टेज होती है, वो अगर आपको एक रात में 2 घंटे की भी डीप स्लीप आ जाए तो भी आपको फ्रेश लगेगा। अदरवाइज आपकी जो दूसरे स्टेजेस होती है उसमें आप 4 घंटे 6 घंटे भी लेते रहोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो अभी आप जब उठते हो तो ज्यादा फ्रेश फील करते हो, नहीं करते? वो तो भी ऐसा ही है सर, इसमें कोई माहौल चेंज चलिए नहीं हुआ है। चलिए, तो बीच में ठीक है, थोड़ा एनर्जी मिला, बीच में थोड़ा अच्छा भी हुआ था। ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, उस रूटीन को फॉलो करते रहिए, आपका ब्लड प्रेशर दोबारा से नीचे आ जाएगा। और अगर आज ही के दिन में भी आप देखोगे, आप जैसे हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद ब्लड प्रेशर देखो, तो बीच में कुछ टाइम ऐसे भी आएगा जब आपको 120-80 पर भी मिलेगा। 120 पर तो मिल नहीं रहा अभी तो सर, पहले मिलता था, आपने अभी तो मिल कितनी नहीं बार रहा। किया है, कितनी बार किया है? बहुत बार करता हूँ सर। हर बार 150-88 आ रहा है? हाँ, अभी तो इतना ही आ रहा है। तब से मैंने तो आज सुबह से मैं देख रहा था, 2-3 बार। अब मैंने रात दोपहर को भी देखा था,
तो वही आ रहा था ऐसा, मतलब मानो ना 7-8 बार देख चुका हूं। आज सुबह से ही देखा है ना आपने? जी 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 जी। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी रात पड़ी है, आपका दिन मतलब अभी है, दिन खत्म होने में 8-10 घंटे हैं, कोई बात नहीं, रात को देखिएगा, शाम को देखिएगा, घर जाने के बाद रेस्ट करने के बाद क्या होता है। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए सर। अजी आपने पानी कब बढ़ाया था? पानी कल बढ़ाया था मैंने। कितना किया था? बस जो आपने साथ में दिन का जो भी पानी पीना था ना, 1 घंटे 1 बार एक। और आज कितना पानी ले रहे हैं? आज भी फिर से फर्स्ट डे का चालू हो गया ना, आज सुबह से खाने के साथ पानी था ना 250 ml। ठीक है ठीक है, वो इसीलिए बढ़ा है, इसीलिए बढ़ा है ब्लड प्रेशर आपका, कोई बात नहीं, वही मैं सोच रहा था क्यों बढ़ गया, कोई बात नहीं, कल तक ठीक हो जाएगा। इसका जरूरी भी होता है ब्लड प्रेशर, जैसे आपने पानी बढ़ाया है आपके सेल्स में अच्छे से जाएगा, और आपके सेल्स में जो भी डिस्प्रोपोर्शनेट चीजें हैं या कमी है उसको वो ठीक करता है। तो आप जिस दिन भी पानी बढ़ाते हैं उसी दिन जैसे जो डायबिटिक होता है उसका ब्लड शुगर बढ़ जाता है और दूसरी चीजें बढ़ता है, और वो 1-2 दिन रहता है फिर ठीक होने लगता है, तो वही मैं सोचा था क्यों बढ़ा था इसलिए फोन किया था। ठीक है, नहीं कल मैंने मानो ना पानी भी आपने बोला था उसमें 7 दिन का वो पिया था ज्यादातर, ठीक है, और सेकंड वो था कि मैंने दोपहर का भोजन में क्या खाया था, ये गोटा वगैरह होता है ना, भजिया वगैरह, भजिया। हाँ जी हाँ जी, भजिया वाला नमकीन। हाँ नमकीन, मतलब वो घर पे ही बनाया हुआ खाया था, 100-200 ग्राम जितना। उससे भी थोड़ा सा पानी रिटेन है, तो वो भी नमकीन ना, नमकीन का कहा, वो तो उसमें बेसन आता है ना सर। बेसन तो ठीक है, पर नमक भी होता है ना थोड़ा? नहीं नमक नहीं होता है इसमें, सिर्फ बेसन होता है। हाँ बेसन के जो गोटे बनाते हैं ना, आलू प्याज के पकौड़े बनाते हैं ना, तो बेसन का और आलू प्याज डालते हैं तो उसमें नमक बिल्कुल नहीं होता, नमक कम, मतलब नमक स्वाद अनुसार टेस्ट अनुसार होता है। हाँ, होता है ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, पर वो जो भी है कल तक ठीक हो जाएगा, कल शाम तक। और तो दूसरा कुछ नहीं हो रहा, और सेकंड वो ये मुझे आलस जैसा फील हो रहा है, नींद ही आ रही है इतना नींद करने के बाद। वो तो कल से पानी बढ़ाया था, पर आज भी यूरिन तो अच्छे से आ रहा है ना आपको? हाँ यूरिन तो ठीक है। यूरिन कितनी बार आया है सुबह से? सुबह से 2 बार जा चुका हूँ मैं सुबह से। कोई बात नहीं, आप पानी को कम ही रखो आज, और शाम तक आपको एक बार और अच्छे से खुल के पेशाब आएगा। आया जितना एक बारी में पेशाब आता उससे ज्यादा आ रहा है, अभी कम ही आ रहा है? नहीं वो भी तो पेशाब तो बेटर है, पानी नहीं पिया तो भी बेटर है। बेटर है ना, हाँ ठीक है, तो जैसे जैसे वो पेशाब आता रहेगा ना, पानी कम होता रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा शाम तक। शाम तक नहीं भी होगा तो कल तक ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, और ये आलस का क्या करना है? वो भी ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे आपका पेशाब आता रहेगा वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू।